नमस्कार, गुड मॉर्निंग यूके 01 की गाड़ी ग्राम पुजारी बंदा में पहाड़ी। एक बार फिर से स्वागत है सूरज राव उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग सुबह 10 बजे से हो रहा है, वो भी दीदी के घर से। सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे टाइफॉइड की वजह से मेरे सकलों बच गए 12। ये देखो कदू कमशान उनोपमीय सकल में बच गए अभी 12। तो मेरे सकल में बच गई 12, अब नहीं होने ब्याह, समझ रहे हो। तो ये हमारी मोटो ज्योति और ये अंशु है, ये कर रही भी पढ़ाई। इनको बहुत अवार्ड मिले हैं पढ़ाई में, देखो 90%, 80%, 95%। ये कितने अवार्ड मिले इनको, हमको तो अभी अवार्ड मिला है नहीं भाई साहब। तो गाइस, मैं भी नहाने चलता हूँ, अपने काले वाले शकल को चला गोरा करता हूँ। मेरे लिए शैम्पू आ गया, ज्योति ला गई शैम्पू। दीदी ने कचकच 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 कर भी मुने पीड़ कर रहा है, नाले नाले नाले। तो मेरे को जाना पड़ेगा नहाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। बाकी इसको देखो, ये पढ़ाई कर रही है। हमने तो आज तक 2 घंटे हो गए इसको पढ़ाई करते करते, हमने तो कभी ऐसे पढ़ाई की नहीं। चलो नहा के आता हूँ, फिर करता हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो गाइस, अभी नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी, तैयार हो गया हूँ नहा धो के। तो हमारे छोटू और मोटू खा रहे अभी खाना, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखो कल खा के इसने सब, नवरात्रि में सब जगह गए, 2-2 पूरी सब जगह खाए, 10 घर गई होगी तो 20 पूरियाँ। रात भर पेट में दर्द, उल्टियाँ कर रही है। देखो अभी भी ठूस रही है कचौड़ी। तो अभी थोड़ा शकल से हो गई नहा धो के, क्योंकि टाइफॉइड हुआ था, मैंने नहाया नहीं था तो इसलिए शकल काली पड़ गई थी मेरी शकल। तो अभी थोड़ा ठीक है। तो गाइस, मैं नहा धो के जीजू की टी शर्ट पहन ली, क्योंकि मैं एक जोड़े कपड़े लेके आया था, वो दीदी ने धोने के लिए डाल दिए, धो दिए मेरे नाल। तो अभी चलते हैं छत पे, दिखाते हैं वहाँ से आपको व्यू कैसा आता है। तो मेरे वहाँ बह चुनिया लाली और कपाल बिंदु होली, वो क्रीम पाउडर घसने की लहना, मेरी निर्मला तो हंसने की लहना। ये हमारी गोपली है, गोपली। तो गाइस, अभी मैं हूँ छत पे, देखो छत पे अभी धूप आ रही झमाझम, और दिखाता हूँ आपको इधर से हाई गर्मी। तो गाइस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कल टाइफॉइड हो गया था, दीदी ने बोला मेरे वहाँ आ जा। तो जब से मैं दीदी के वहाँ आया था, तब से थोड़ा मेरे को तबीयत सही लग रही है। अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन कल तो ऐसे हो रहे थे, पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो दीदी जब भी तबीयत ख़राब होती, दीदी बुला लेती, दीदी के वहाँ आके थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि दीदी केयर करती है, खाना वाना टाइम से, दवाई टाइम से देती है, क्योंकि रूम पे तो इतना केयर हो नहीं पाती। 7 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद ऐसे ही रहता है, सोए तो सोए रहे, खाया पिया ना खाया। मैंने 1 दिन का 2 लीटर पानी पीना है डेली का, 2 लीटर पानी, उसके बाद थोड़ा ठीक हो, क्योंकि पानी की ख़राब पानी की वजह से ही टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड बिगड़ गया तो फिर डेंगू होता है। चलो दिखाते हैं बाकी क्या क्या लगा रखा है ऊपर छत पे, फूल काफी, मनी प्लांट्स बहुत ज्यादा, मनी प्लांट लगा रखा है, कड़ी पत्ता भी लगा रखा है। कहाँ है, चलो दिखाता हूँ आपको कड़ी पत्ता मनी प्लांट क्या क्या लगा रखा है आज। ओ मेरे मामा है चुनिया। ये देखिए कड़ी पत्ता, और ये देखिए फूल लगा रखे हैं अलग अलग फूल, ये पता नहीं क्या है, मनी प्लांट्स कहाँ है, मनी प्लांट्स, ये मनी प्लांट्स। हेलो। तो गाइस, इन्होंने मेरे को जानबूझकर फटी टी शर्ट दे दी, देखो देखो, ये देखो फटी टी शर्ट लेके आई, ये लेके आई फटी टी शर्ट, उस टाइम बोली थी अच्छी टी शर्ट है, मैंने ज्योति, हाँ इसने, तूने दिया, देखो इसने मेरे को फटी टी शर्ट पहना दी, ये देखो यहाँ से भी फटी है और यहाँ से भी फटी है। देखो मेरे को क्या पता था, मेरे को 2 दिन रहूंगा यहाँ पे, मैं इसलिए कपड़े लेके नहीं आया। और जब नहा धो के मैंने, दीदी ने कपड़े धो दिए थे मेरे, मैंने कहा टी शर्ट दे, इसने मेरे को फटी टी शर्ट पकड़ा दी, देख लो पता है? ऐसे हमारे भांजे चेंज कर लो ना, चेंज कहाँ है, कोई अच्छी टी शर्ट लेके आया, मैं फटे टी शर्ट पहनूंगा मैं। तो गाइस मत करा, मैं फाड़ देगी। और तो अभी छत पे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है आंखों में, चलो अभी दिखाते हैं आपको बाद में। गाइस ये टी शर्ट आ गई अभी ब्लैक वाली, क्योंकि मेरा फेवरेट है ब्लैक भी, चलो इसको डालता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना टी शर्ट कैसी लग रही है। चलो फटाफट पहनता हूँ।
तो फिलहाल डाल ली मैंने ब्लैक वाली टी शर्ट। मामा आपके ऊपर ब्लैक टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तेरी कमर टूटी जाली हो सारे, इसने ये जान मुझ कर दिया, इसने इसकी कमर तोड़नी पड़ेगी। अरे मैंने नहीं दिया। बदतमीज कहाँ की, हाँ ऐसे करते हैं है? जान बदतमीज, जान बुझ कर इसने फटी टी शर्ट दी मेरे को। मैंने नहीं दी, ज्योति ने दी है। वो तो मैंने देख ली, खुद बता रही कि अब से फटा है यहाँ से नहीं फटा है। तब मैंने देखा, मैंने कहा यार सच में फटा है। देखो अभी ये ब्लैक वाली टी शर्ट थोड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे को फेवरेट, मेरे फेवरेट है ब्लैक। फेवरेट नहीं, फेवरेट। ओ सॉरी, फेवरेट। फेवरेट। तो शिकार है हमको यार ये, देख लो ये शर्ट। क्या क्या बोलते हैं उसको, फेवरेट। फेवरेट पढ़े लिखे औलाद। फेवरेट नहीं बोलते, फेवरेट। ये है फेवरेट पढ़े लिखे औलाद। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं लोगों। चलो चलते हैं नीचे, पपाया काटता हूँ फिर खाता हूँ, क्योंकि ज्यादा कटा हुआ है। ओ पपाया भी कटा है, एप्पल भी कटा है, सब कुछ कटा है। देख लो इतना एडवांस हो गया आजकल की जनरेशन, देख रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो चलते नीचे खाते हैं। इनके जीजू ने इनके लिए काट रखा, देखो कितनी देखभाल करती है। जीजू सबसे ज्यादा प्यार दीदी करती है, माँ के बाद जो प्यार करती है वो दीदी करती है, लेकिन बहुत ज्यादा केयर करती है, उसकी वजह से थोड़ा मेरी तबीयत ठीक है। चलो जीजू भी करता है ये, नहीं चलो चलते हैं नीचे, उसके बाद खाते हैं फ्रूट। चलो बाय। तो गाइस अभी फ्रूट भी आ गया है और मैं अभी फ्रूट खाना हूँ, क्योंकि दो चार दिन मेरे को फ्रूट ही खाना है। खाना नहीं खाना ज़्यादा, तला भुना भी नहीं खाना है, नॉनवेज कुछ नहीं खाना है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा टी शर्ट चेंज कर दी, तीन टी शर्ट चेंज कर दी, क्योंकि इसने जानबूझ कर एक फटी टी शर्ट पकड़ा दी मेरे को, वो पहना दी, फिर बता रही कि आपकी टी शर्ट फटी है। जानबूझ कर फिर हंस रही मेरे पे कि आपने फटी टी शर्ट पहनी है। तो ये तीसरी टी शर्ट पहनी है अभी आज, क्योंकि जीजू की है, एक टी शर्ट लेके आया था। मामा आप स्मार्ट लग रहे हो। और मैं टी शर्ट लेके नहीं आया था अपने कपड़े, और ये जीजू के सब कपड़े जीजू के यहाँ उनके कपड़े पहने हैं। चलो मैं भी फ्रूट खा लेता हूँ, फिर करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो गाइस आज जाएंगे शाम को हम रावण देखने के लिए, रावण का पुतला दिखाएंगे, कितना बड़ा पुतला बना रखा है आज। बहुत तो सीधे वही मिलेंगे हम सब लोगों को। चलो पहले चलते हैं दुकान पे, मिलते हैं सीधे शाम को 4 बजे। पुतला देखने के लिए, एक पीछे तो देख लिया हमने, बहुत बड़े पुतला बना रखा है अभी, और एक आगे है इससे बड़ा वाला रावण, दिखाते हैं आप सभी लोगों को आगे चल के। मेरे साथ है भूमि, भूमि भूमि को देखो, भूमि को। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड पे, जहां पे रावण की मूर्ति लगी हुई है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो वहाँ पे लगी है रावण की 3 मूर्तियाँ, दिखाते हैं आप सभी लोगों को, बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। चलो 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 रावण दिखाते हैं, जल्दी आओ, उसके बाद चलेंगे ठीक है घर। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, के ला गया मैं रावण का पुतला। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है,
और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था वहाँ पे, और मेरी वॉइस की आवाज़ आ भी नहीं रही थी। चलो चलते हैं, अब उनको दिखा दिया क्योंकि वहाँ पे अभी पुतले में आग लगेगी तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। चलो चलते हैं सीधे रूम पे, उनको भी छोड़ के आते हैं, भगदड़ मच जाएगी तो ये जाए। तो गाइस ये है हमारी भूमू, इसने जिद कर दी थी मैं चाचू चलो चलो रावण का पुतला देखने, तो उसको दिखा के ले आया मैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो जब उस पर पुतले पे आग लगेगी तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। उसके बाद मैंने कहा ये खो जाएंगे तो मेरे को डांट पड़ेगी फिर, इसलिए मैं जल्दी आ गया इनको लेके। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देव भूमि जय उत्तराखंड, बाय 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 बोल दो भूमि बाय। हम जाओ।